नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना है इंशाल्लाह, एक ना एक दिन करेंगे पूरा, बस मेरा यही मोटिव है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर ऋषि मोहसिन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। सो आज का व्लॉग जो स्टार्ट करते हैं, तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है कि मैं एक शीप फार्मर हूँ, तो बहुत सारे भाइयों का सवाल था कि भाई अपना शीप फार्म दिखाओ और अपने आपके कितने शीप्स हैं वो भी बताओ। तो गाइस आज मैं वो बताऊंगा मेरे पास कितने शीप्स हैं। तो आपको पता है मैंने शीप फार्मिंग कब स्टार्ट की है? मैंने शीप फार्मिंग 2015 में स्टार्ट की है, तो अभी मैं 17 साल का हूँ, 17 ईयर्स। तो गाइस 2015 में मैंने लाया था शीप, वो भी एक, वो भी 1500 का लाया था, मेल लाया था मैंने 1500 का, और 2500 की लाई थी फीमेल। तो करते करते जब अपग्रेड हो गए तभी मेरे पास अभी 50 शीप्स है, लेकिन दो पे नहीं बनाए मैंने, कुछ खरीद के भी लाए हैं। खुद भी पैसे जमा करता था और घर वालों ने भी पैसे दिए, सपोर्ट किया घर वालों ने भी बहुत, तो तभी जाके अभी मेरे पास 50 शीप्स है, 50 से भी ऊपर होंगे, और तभी मैं अभी कुछ कर रहा हूँ। लेकिन घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा घर वालों का। तो चलते हैं अभी हम अपनी शीप फार्म की ओर, ज़्यादा दूर नहीं है, मेरा जो घर है उसके साइड में ही है मेरा शीप फार्म, तो चलते हैं अभी। लेकिन शीप्स मैं आपको अभी दिखा था, लेकिन वो अभी नहीं है, ग्रेजिंग के लिए गए हैं। तो इंशाल्लाह अगर शाम को आएंगे, तो जब वो शाम को आएंगे तभी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आप अपनी शीप्स भी दिखाऊंगा कुछ, तो चलते हैं फिर अपनी शीप फार्म की ओर, तो दिखाता चलूँ मैं आपको शीप फार्म। तो गाइस ये है मेरा घर और ये है मेरा होम, तो ये है मेरा शीप फार्म जो आपको नज़र आ रहा होगा इसी के साइड में। तो अभी मैं चलते हैं अपने शीप फार्म में, तो अभी मैं दिखाता हूँ मेरा फार्म कैसा है, तो चलते हैं हम। चलो फिर, तो एंट्री हो गई हमारा हमारी फार्म पे, तो देख सकते हैं आप मेरा फार्म। जो भी भाई, मैं आपको बताता चलूँ, जो भी भाई मतलब स्टार्ट करना चाहता है, तो जब वो अपना फार्म बनाएगा तो बटन फ्लोर जो है वो उसको ज़रूरी बनाना है, ज़रूरी। ये जो बटन फ्लोर है, आप बोलोगे आप ये किस लिए? तो भाई एक तो पहला इसका फ़ायदा है, शीप्स जो है वो साफ रहते हैं, वो पूरे साफ रहते हैं, गंदगी उस पर नहीं चढ़ती है, और इन्फेक्शन से बचते हैं। तो जो फुट रॉट है, जो मेन है, जो फुट रॉट है, इससे वो नहीं आते हैं, बहुत कम आता है। तो ये जो हमारे कैबिन बने हैं ना, कैबिन ये जो है, ये जैसे कि ये एक कमरा है और ये दूसरा कमरा है। आप बोलोगे आप ये क्यों है? देखो भाई, हम जो है ना, हम जो फार्मिंग करते हैं, हम ब्रीड पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आप हम जो जो मतलब हम ब्रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए हम इसमें रखते हैं जो मेल है हमारे कुर्बानी के लिए, वो इसमें रखते हैं। तो जो हमारे मतलब फीमेल्स वगैरह है, जो मतलब जिसने बच्चा दिया है फीमेल ने, वो हम इसमें रखते हैं। जो ये है, ये हमारा मान लो आप, ये हमारा हॉल है और इसमें हम रखते हैं सारे शीप्स इकट्ठे, और इसमें रखते हैं एक ब्रीडिंग रैम जो ब्रीडिंग के लिए हमें यहाँ पे फार्म पे रखा है, तो इसमें रखते हैं हम कुर्बान। इस व्लॉग को हम यहाँ एंड नहीं करेंगे, जब उधर से शीप्स आएंगे तब मैं आपको अपने शीप्स। क्यों उधर नहीं छोड़ना था यार? किसका हुआ? मैंने वो जो तीन तीन हुए छोड़ा यार, वैसे रुकती नहीं है कहीं, उधर छोड़ना ही नहीं था, बताइए क्यों? मेरे शीप्स भी देख लिए। तो आपको पता है मैं शीप फार्मिंग के अकॉर्डिंग वीडियोस क्यों बनाता हूँ? भाई मेरा एक मोटिव है, शीप फार्मिंग को नेक्स्ट लेवल तक पहुँचाना है इंशाल्लाह, एक ना एक दिन करेंगे पूरा, बस मेरा यही मोटिव है। तो गैस बस आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद है कि आप सबको आज का व्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।